लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले कांग्रेस को झटका देने वाली प्रियंका चतुर्वेदी एक बार फिर से सुर्खियों में बन गई हैं। ये तो वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट्स को लेकर चर्चाओं में बनी ही रहती हैं, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से शपथ ग्रहण की है और दोबारा से देश के प्रधानमंत्री पद को संभाल लिया है। वहीं एक और खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है उसकी जिम्मेदारी लेने के बाद राहुल गांधी ने यह कहा था कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इस पूरे मामले पर कशमकश जारी है। वहीं एक बड़ा बयान आया है प्रियंका चतुर्वेदी का। प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी को इस पूरे मामले पर एक टिप्पणी करके जवाब दिया है। आपको बता दें कि चुप्पी तोड़ते हुए एक मीडिया चैनल को प्रियंका चतुर्वेदी ने यह कहा है कि राहुल गांधी जो गलतियां करते आए हैं उन्हें याद रखना चाहिए। जहां एक तरफ राहुल गांधी अपने इस्तीफे को देने के लिए लकीर के फकीर वाली अवधारणा पर लगातार कायम है, वहीं प्रियंका चतुर्वेदी जो हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़कर शिवसेना में शामिल हो चुकी हैं, उन्होंने निशाना साधा है राहुल गांधी पर। और मीडिया में एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी को ये कहा है कि उन्हें अपनी गलतियों पर गौर करना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी की थी तब राहुल गांधी इस पर मौन धारण किए हुए थे, और जब प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर शिकायत करते हुए अपना इस्तीफा दे डाला था तब कोई भी एक्शन लेने की बजाय कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला ने यह कहा था कि जो भी कांग्रेस का स्थान छोड़कर जाना चाहता है उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। प्रियंका चतुर्वेदी आगे कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी की इस करारी हार की असल वजह राहुल गांधी का ओवर कॉन्फिडेंस है, और शायद यही वजह है कि आप कार्यकर्ताओं का भरोसा नहीं जीत पा रहे। कांग्रेस पार्टी पर यह सीधा सीधा आरोप प्रियंका चतुर्वेदी ने लगाया है कि जो कार्यकर्ताओं में कांग्रेस को लेकर अविश्वास बढ़ता जा रहा है उसका मुख्य कारण है कांग्रेस और राहुल गांधी का ओवर कॉन्फिडेंस। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।